नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे हृदय विदारक घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। जी हाँ, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ लाखों छात्र अपने सपनों को साकार करने की तैयारी करते हैं, वहाँ आई बाढ़ के कारण 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। यह घटना न केवल उनकी आकांक्षाओं का अंत है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आइए बताते हैं क्या है पूरी घटना। यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाला दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का एक बेहद मशहूर कोचिंग सेंटर राव आईएएस, इस इलाके के तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहाँ भी बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे औहदे के लिए छात्र पढ़ने आते हैं। शनिवार शाम में बारिश के दौरान पूरे इलाके में जल जमाव था। कोचिंग सेंटर के बाहर की जगह सड़क से काफी ऊंची है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, इसी पार्किंग से बेसमेंट में जाने का रास्ता भी है। इस बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है। यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हर दिन आते हैं। इस हादसे के दौरान बेसमेंट में मौजूद एक छात्र ने बताया कि छात्रों की तरफ से शाम 6:40 पर पुलिस को फ़ोन किया गया था, लेकिन मदद पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज चुके थे। कोचिंग सेंटर में पानी आने की सूचना दमकल विभाग को मिली तो अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में पानी 10 से 12 फीट तक भर चुका था। रस्सियों के सहारे छात्रों को निकाला जाने लगा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन 3 छात्रों का पता नहीं चल रहा था। तलाशी के दौरान गोताखोरों की मदद ली गई। रात के करीब 1:30 बजे तक 3 छात्रों का शव बेसमेंट से निकाला जा चुका था। पानी निकलने के लिए पंप लगाए गए। पूरी रात बेसमेंट में पानी निकालने का काम चलता रहा। दिन निकलने तक ड्रेनेज की सफाई का काम जारी था, लेकिन सवाल ये है कि बाहर जब बारिश की वजह से जल जमाव था तो कोचिंग सेंटर का प्रशासन क्या कर रहा था। कोचिंग में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे। आखिर कोचिंग संस्थान को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में वे नहीं डरते। क्या यहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति ली गई थी। यदि नहीं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इस पूरे इलाके में इस तरह के बेसमेंट में लाइब्रेरी धड़ल्ले से चलाई जा रही है। इस हादसे के बाद पुलिस ने भले ही कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असली गुनहगार सिस्टम है। यदि सिस्टम सही होता तो इस तरह का हादसा कभी नहीं होता। आज उन 3 छात्रों के घरों में मातम है जिनकी इस हादसे में जान चली गई। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर जब उनको खबर में यह दर्दनाक मंजर देखा होगा। क्या बीत रही होगी माँ बाप पर जिसके सपनों का संसार की अकाल मृत्यु हो गई। दिल्ली हो या कोई दूर दराज इलाके, देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लाखों छात्र हर साल दिल्ली आते हैं। इन्हीं में से नेविन डॉल्विन, श्रेया यादव और तान्या सोनी भी थी। तीनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राज आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले 28 साल के नेविन डॉल्विन जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे। पिछले 8 महीनों से पटेल नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। रेस्क्यू के दौरान सबसे आखिर में नेविन का ही सब गोताखोरों ने निकाला। खबर मिलते ही नेविन के घर में लोग जुटने लगे। श्रेया यादव 25 साल की थी। उन्होंने पिछले महीने ही कोचिंग में दाखिला लिया था। यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली श्रेया के परिवार का कहना है कि बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली भेजा था। उसके पिता किसान, सपना था कि बिटिया बड़ी अफसर बने। उनके चाचा जी ने टीवी पर हादसे की खबर देखी थी। उन्होंने जैसे ही परिजनों को हादसे के बारे में बताया, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। भागे भागे लोग दिल्ली आए। इस हादसे का शिकार तीसरी छात्रा तान्या सोनी तेलंगाना से दिल्ली आई थी। 25 साल की तान्या के सपने भी दिल्ली की जानलेवा लापरवाही में डूब गए। अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में भी करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मौत हो गई थी। वो बीटेक कर चुके थे और यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास कर चुके थे। इन हादसों से पीड़ित परिवारों की खुशियां तो उजड़ ही गई, साथ ही उन लाखों परिवारों के दिल में दहशत भी भर गई जिनके बच्चे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोचिंग के लिए रहते हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस प्रशासन और सरकार को देने हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।